उमरिया जिले के करकेली जनपद के अंतर्गत ग्राम करही टोला गांव में बीती रात दो घर में दो तेंदुआ घुसने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में करही टोला निवासी वाल्मीकि बैगा के घर में रात्रि दो बजे के लगभग दो तेंदुए घर में घुस गए। गनीमत रही पालतू कुत्ता देखकर भौंकने लगा, जिससे घर वालों की नींद खुली और घर वालों ने देखा कि दो तेंदुए घर में हैं। अफरा तफरी का माहौल बन गया। शोर शराबा हुआ, डर के कारण घर से पालतू कुत्ते को उठा ले गए। वहीं दूसरे घर के रामेश्वर बैगा के घर में भी घुसकर खपरैल की छत के ऊपर चढ़कर तीन बकरियों पर हमले से बकरी की मौत हो गई। घटना के संबंध में बकरी मालिक ने बताया कि तेंदुआ छत में चढ़कर घर के अंदर घुसा, आवाज के कारण मेरी नींद खुली, मैं देखा और आवाज किया, तब तेंदुआ घर से भाग खड़ा हुआ। उस समय में घुसा तेंदुआ, जब गांव में अंधेरे का मातम छाया था, विद्युत सप्लाई बंद रहा, गांव वालों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसकी सूचना वन विभाग पशु औषधालय को दी गई। लगातार वन प्राणी गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। पांच माह से कर ही टोला ग्राम में भय का माहौल निर्मित है, कई मवेशियों को शिकार बनाया है, लोग रात्रि में निकल नहीं रहे हैं, तेंदुए के डर से भय बना रहता है। वन विभाग और पार्क संचालक की लापरवाही, वन प्राणी गांव की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि कर ही टोला गांव जंगल से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते वन प्राणी बड़े आसानी से गांव में प्रवेश कर जाते हैं। क्या नाम है? राकेश सर। यो? करही टोला छेरियन का ही तीन मूलन का ही चीता काट गई। कब? रात में। कितने थे? एक बजे रात। चला जब छेरी चिल्ला लगे तब फिर हम पर छिम सो रहे थे, फिर जाने तो फिर दौड़े तो भाग गई छोड़ के, चीत एक रहो मुआवजा चाहिए जो भी सरकार का माने। हम गरीब हैं, हमारे यहाँ चीता रात में आकर के बहुत परेशान कर रहा हो, पूरे गांव के मनाई परेशान है चीत से। क्या भैंसे डरते हैं? मतलब भैंसे डरते हैं, भाग यहाँ कोई व्यवस्था नहीं बना रहा है, अगर हम उसका शेर मार डाले तो यहाँ दुनिया के फोर्स पहुँच जाएंगे, हमारे मवेशी को काटते हैं, तो वहाँ कोई व्यवस्था देख रेख कराइए कोई नहीं। घर में भी बाल बच्चा है तो घर में भी छानी में चढ़ के यहाँ वहाँ घूमता खपड़ा फोड़ता है। एक बकरी पर साल भी काट दिया, वहाँ से तीन बकरी काट दी। विभाग में मैं भीट गार्ड हूँ, एक करकेली भीट का। मैं हर गांव में जाके मोहल्लों में जा करके समझाइश देता हूँ कि भाई अब मवेशियों को अपने हिसाब से रखें और जंगल में थोड़ा बच के चलें, तो जानवरों का आतंक है, जानवर है हमारे बफर से लगा हुआ क्षेत्र है, और आए दिन जानवर आ रहे हैं हमारे यहाँ। करही टोला करकेली या। आज रात में चीता घुसा, दो चीता थे, मैं सो रहा था, खट के नीचे कुत्ता बैठा था, इसके बाद में रात 12:12-13 में वो आया और कुत्ता को घसीटते ले गया, फिर कुत्ता आवाज़ किया, काई काई का कुत्ता आवाज़ किया, फिर हम लोग दौड़े, कुत्ता को देखे तो हम लोग सोचे कि कुत्ता को जंगल उठा के ले गया। फिर सुबह भी उठे, सुबह भी देखे, आंगन में पूरा खोज बना था, पैर का निशानी बना था, और हम लोग फिर सबको बताए, और इसके बाद में चीता चला गया, गांव तरफ भी गया है, गांव तरफ भी दो तीन बकरियों को काट दिया है, और ये जंगल विभाग की लापरवाही है, जंगल विभाग कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, जंगल वन विभाग को देख रेख की जरूरत है। मेरा नाम शिशपाल है, मैं करही टोला के रहने वाला हूँ। क्या हो गया रात में? हमारे यहाँ बहुत दिन से चीता परेशान कर रहा है। कितने? हम दो, तो हम ये सोचते हैं कि भाई इसका क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्था किया जाए, फॉरेस्ट वाले तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब हम करें तो करें क्या। अब देखो हमारे घर में आज घुसा, तीन बकरियों को काट दिए, दो कुत्तों को हमला किया, किसी दिन अगर हो जाएगा तो इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। अब पूरे गाँव में भय का निर्मित बना है, अब हम करें तो करें क्या, हम जंगल भी नहीं जा सकते, कोई चीज हमारे मवेशी वेशी सब रहते हैं भाई, उनको भी डर है, अब गांव से जंगल लगा है, अब हम करें तो करें क्या।